एक गुलाब का फूल अपने आप में बहुत सुंदर है, एक कमल का फूल यह भी अपने आप में बहुत सुंदर है। अगर ये सृष्टि, ये सारी इकोसिस्टम गुलाब के फूल को प्रेशराइज करती है, उसको एक टारगेट देती है कि कुछ समय में तुमको अपने आप पर मेहनत करनी है और कमल का फूल बन जाना है, कमल का फूल आइडियल है, जानते हैं आप क्या होगा? ये गुलाब का फूल कभी भी कमल का फूल तो नहीं बन सकता, पर इस कोशिश में, इस प्रोसेस में उसका अपना गुलाबपन भी, उसका रोजनेस भी वो खो देगा। ऐसा ही होता जब हमारे बच्चों से हम उटपटांग सी एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ कॉम्पिटिटिव वाली नहीं है, वो तो अपने आप में एक दिक्कत है ही। जैसे अगर आपके बच्चे के स्कूल में फर्ज कीजिए 100 बच्चे हैं और हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए, फर्स्ट तो एक ही बच्चा आ सकता है। ऐसे में हम 99 बच्चों के लिए निराशा, डिसअपॉइंटमेंट का कल्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो तो एक मसला है ही। साथ ही में कभी कभी पॉजिटिव साउंडिंग एक्सपेक्टेशंस भी सटल तरीके से दिक्कत क्रिएट कर सकती है। कुछ दिन पहले जब से ये परवरिश सीरीज हमने स्टार्ट की है, मुझे कई सारे मैसेजेस आते हैं और इसमें एक रीडर ने, एक ऑडियंस में से किसी ने एक मैसेज किया कि हाउ शुड वी हेल्प आवर चाइल्ड अचीव हिज नेचुरल पोटेंशियल। अब ये बड़ी पॉजिटिव साउंडिंग, ये बड़ा पॉजिटिव साउंडिंग क्वेश्चन है। ये एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा नेचुरल जो पोटेंशियल है उसका, उसको प्राप्त कर ले, ये भी दिक्कत कर सकती है। अगर ये जो भी है इनसे और हम सबसे मैं ये बात करूं कि सबसे पहले तो बच्चे का जो नेचुरल पोटेंशियल है वो किसको पता है? द नेचुरल पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड इज एन अननोन फिनोमिनन एट द टाइम दैट यू आर क्रिएटिंग दिस क्वेश्चन, राइट? अब जो चीज अननोन है आप उसमें उस बच्चे की हेल्प कैसे कीजिएगा? सो ऑल यू कैन डू, अगेन हम उस रोज की ही बात करते हैं, तो आपके हाथ में बस ये है। अगर आप सीड स्टेज पे हैं, तो आपका रोज का प्लांट अगर सीड स्टेज पे है, तो आपके हाथ में बस ये है कि आप उस पौधे को नरिशमेंट दें। बियॉन्ड दैट आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते उसके साथ। इस नरिशमेंट को एक बेटर वर्ड अगर देना हो तो मैं यूं कहूंगा कि लव। योर चाइल्ड डजंट नीड योर हेल्प, बट द चाइल्ड नीड्स योर लव। ये इसलिए क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप आपके बच्चे को एक राउंडेड अप इंडिविजुअल बनाए जो समाज में जाके प्रेम देने के काबिल बने। अब कोई चीज़ यदि उसी के पास ना हो तो वो जाके कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? अगर मैं ऑडियंस से फिर से पूछूं कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, ट्रस्ट अगर है और अगर आप फिर भी ना बोलते हैं तो 10 में से 9 बार ये संभावना है कि आपके पास शायद है ही नहीं। तो मतलब पैसा हो, चाहे इमोशन हो, चाहे प्रेम हो, अगर आप ही के पास नहीं है तो आप कैसे दीजिएगा? सो योर चाइल्ड डजंट नीड योर हेल्प, बट द चाइल्ड नीड्स योर लव। फर्स्टली द चाइल्ड नीड्स टू बी नरिश्ड, राइट? और हेल्प इस वर्ड पे थोड़ा सा और गहरे में फोकस करते हैं। माँ बाप अक्सर अपने आप को एक पेरेंट होने के हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, एक ऊंचे मकाम पे रखते हैं कि भैया ये मेरा बच्चा है, मैं इसका पेरेंट हूँ, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। ये अपने आप को एक हाई पेडेस्टल पे रखना, ये मुझे लगता है कि एंटाइटल्ड बिहेवियर है। पेरेंट होने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी टेस्ट हमने पास की है? कई सारे विचारक, कई सारे बड़े लोगों ने कहा है कि बच्चे, यू डोंट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, यू आर अ मियर passage, the child hasn't happened through within you, it has happened through you, right? So ये जो सृष्टि है, ये जो नेचर है, ये जो ecosystem है, इसकी planning तो हो चुकी है इस बच्चे के लिए। आपको एक महज privilege दिया गया है to be that child's parent. So आपसे expected है कि be a parent to the child you have and do not try to be a parent to a child that you wish you have.